अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो सुबह सुबह मैं यहाँ पे चाय बनाने के लिए किचन में आई थी, तो ये देखो दूध फट गया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, तो मैंने इसमें ना एक चम्मच विनेगर डाल के तो मैंने साइड में रख दिया था। तो जब तक नाश्ता वगैरह बना लिया तो मैंने सोचा कि देखूँगी बाद में इसका क्या करना है। तो मैं बनाने लगी हूँ, पनीर होगा या नहीं होगा देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छन्नी रख लिया है, उसके ऊपर एक रुमाल रख लिया है, तो इसे ना मैं इसमें डाल दूंगी। तो ये देखिए पनीर तो मुझे लग रहा है बहुत ही अच्छा बना हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट वाला। तो मैंने इसको इस कपड़े में ढाल करके, रुमाल में ढाल करके, तो इसका पानी छान लिया था और 2-3 पानी से ना इसको खंगाल करके, तो मैंने यहाँ पर इसी जाली में इमामदस्ता से दबा के मैंने रख दिया। तो जब मैंने देखा पनीर तो बहुत अच्छा बना था, तो मैंने सोचा कि चलो आज मलाई कोफ्ता ही बना लेते हैं। हम लोग पनीर खाते नहीं हैं इसे ज़्यादा, हस्बैंड को पसंद नहीं है, तो चलो कभी कभी ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक प्याज लिया है, और यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिया है। ये टमाटर ना मैंने डीप फ्रीजर में रखा था। तो यहाँ कुछ लहसुन का कली लिया है मैंने, एक टुकड़ा अदरक का लिया हुआ है, तो प्याज को भी ऐसे रफ लेना, मैं कट कर लूँगी मोटा मोटा टुकड़ा में। तो ये फ्रीजर का टमाटर है तो ये थोड़ा सा हार्ड हो गया है। तो ले लेते एक पैन, इसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है और 2 इलायची, एक तेज़पत्ता और एक लौंग। तो इसमें मैंने प्याज डाल दिया है। तो आज गैस भी ख़त्म हो गया था, तो हम लोग घर में थे नहीं तो बुक नहीं कराया था, तो देखिए इंडक्शन में मैं बना रही हूँ। तो प्याज को हल्का सा भून लेते हैं। प्याज को थोड़ा देर भुनने के बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन मिला दिया है, इसको भी हल्का सा सॉटे कर लेते हैं। तो अब मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है, इसको भी थोड़ी देर भून लेते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ काजू डाला है और 2 सूखे मिर्च और नमक, तो थोड़ा सा पानी डाल के ना तो इसको ढक के पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो जब तक ये पक रहा है तो देखते हैं पनीर का क्या हालत है। तो यहाँ पर मैंने ना एक आलू को बॉईल कर लिया था, तो आलू को भी अच्छे से ना इस फॉर्क की मदद से मैं मैश कर लूँगी। तो आलू को यहाँ अच्छे से मैंने मैश कर लिया है। वैसे तो मैंने और कोफ्ते वगैरह बनाए हैं कच्चे केला वगैरह का, लेकिन पनीर का मैंने ये फर्स्ट टाइम बनाया है, तो मुझे डर भी लग रहा है क्या क्या होगा नहीं होगा। तो ये देखिए पनीर तो इतना सॉफ्ट बना हुआ है। तो मैंने सब आलू नहीं डाला है, थोड़ा सा ही आलू डाला है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं बनाना है। 1 चम्मच मैंने मैदा डाला है। तो यहाँ पर मैंने क्रश जिंजर, गार्लिक और हरी मिर्च डाल दिया है, 1 चम्मच नमक डाला है। इसको अच्छे से मिक्स करके एक डो बना लेते हैं। तो मैंने इसका डो बना लिया है, हाथ में थोड़ा सा मैदा लगा करके ना, तो मैंने इस वो एक बॉल का शेप दे दिया है गोल गोल ऐसे कोफ्ता का। और ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना अच्छा हुआ है। तो इस तरह से मैंने 6 कोफ्ता बना लिया है।
तो ये देखिए कितना अच्छा बना हुआ है ये। तो यहाँ पर जब तक मेरा ये भी प्याज वगैरह भी अच्छे से ये भुन गया था, पक गया था, तो मैं इसी का जार में डाल के इसको बारीक सा पेस्ट कर लेंगे। बहुत ही स्मूथ वाला पेस्ट बनाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऑयल डाल देते हैं, कोफ्ता को फ्राई करना है। तो कोफ्ता डालते हुए भी मुझे टेंशन हो रहा था कि कहीं ये टूट ना जाए। तो इसको मैंने इस तरह से हल्का हल्का सा ना हिलाते हुए इसको फ्राई किया है। तो ये देखिए कितना अच्छा कोफ्ता बना हुआ है, इसका कलर भी देखिए कितना अच्छा आया है। तो कोफ्ता फ्राई हो गया है, तो एक प्लेट में मैंने निकाल लिया इसको। तो उसको वो तेल को ना मैंने कम करके ना थोड़ा सा 2 चम्मच तेल लिया है, उसमें 1 चम्मच बटर डाल दिया है, तो हल्दी और लाल मिर्च, इसको हल्का सा चला लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इंडक्शन का फ्लेम को ना बंद कर दिया था, और यहाँ पर जो मसाला पीसा था मैंने, ये प्याज वगैरह टमाटर वगैरह, तो उसको मैंने ना छान लिया अच्छे से। तो इसमें डाला है धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला, और थोड़ा सा पानी डाल के ना तो इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो मसाला यहाँ पे पक गया है, मैंने इंडक्शन का फ्लेम को भी बंद कर दिया है क्योंकि इसका फ्लेम जो है ना बहुत हाई होता है। तो मुझे यहाँ पे क्रीम डालना था, तो क्रीम जो है कि मलाई जो है कि घर पे थोड़ा सा वो दूध का जमा हुआ था, तो मैंने दूध डाल के इसको अच्छे से फेंट लिया था। तो पैकेट का दूध वगैरह में मलाई अच्छे से जमता नहीं है, तो मेरे पास थोड़ा ही सा था, तो मैंने वो फेंट के डाल दिया थोड़ा दूध डाल के। ऐसे दूध भी आप डाल सकते हैं अगर क्रीम नहीं है तो। 1 चम्मच कसूरी मेथी, कसूरी मेथी को पहले ही मैंने ना भून करके इसको पीस के रखा हुआ है। तो ग्रेवी को यहाँ पर मैंने थोड़ा देर पकाया है, तो ग्रेवी अच्छे से बन के तैयार हो गया है, यहाँ पर पक गया है। तो फटाफट से कोफ्ता को सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक प्लेटर में कोफ्ता डाल दिया है। तो आई होप कि आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, रेसिपी अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। तो यहाँ मैंने जितना ग्रेवी था ऊपर से डाल दिया है, और थोड़ा सा मलाई बचा हुआ था वो भी डाल दिया है। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और इतना खाने में भी इतना ही टेस्टी हुआ था, बहुत ही मज़े का हुआ था ये। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा मलाई कोफ्ता बनकर तैयार है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।